नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। तो देख सकते हैं आज मेरे पास एक प्रिंटर आया है, इप्सन L3210 का। और ये इसमें जो प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम जब प्रिंट कर रहे हैं या तो फिर फोटो कॉपी जेरेक्स कर रहे हैं तो उसमें लाइनिंग वगैरह आ रहा है। तो कस्टमर ने मेरे को बताया था कि उसने हेड क्लीनिंग करके ऑलरेडी देख लिया था, फिर भी उसका सोल्यूशन नहीं हुआ। तो चलिए पहले एक बार प्रॉब्लम का आप लोग को दिखाते हैं। अभी यहाँ पर एक डॉक्यूमेंट रखते हैं इधर, उसके बाद एक जेरेक्स करके देखते हैं इसमें प्रॉब्लम क्या है। एक्चुअल में जेरॉक्स का बटन दबा दिया, ब्लैक एंड व्हाइट का। अभी जेरॉक्स हो रहा है। इसमें देखिए प्रॉब्लम क्या है, इसमें लाइनिंग आ रहा है। लाइनिंग जिस प्रकार से हेड क्लीनिंग से हो जाता था उस प्रकार ये लाइनिंग नहीं आ रहा है। देखिए एक अंतर अंतर ये लाइनिंग है, मतलब इधर छोटा सा लाइनिंग, इधर छोटा सा लाइन, ऐसा लाइनिंग नहीं है। एक मतलब एक डिस्टेंस के वाइज ये लाइनिंग है। और ये जो प्रॉब्लम है इसका सॉल्यूशन कहाँ से होता है, मैं प्रिंटर को खोल के आप लोग आगे जाके दिखाता आऊँगा। और इस तरह का जो प्रॉब्लम है ये हेड क्लीनिंग से सॉल्यूशन नहीं होता। जैसे कि थोड़ा बहुत अगर लाइनिंग आ जाता है तो हेड क्लीनिंग से उसका सॉल्यूशन हो जाता है, लेकिन ये जो प्रॉब्लम है इसका सॉल्यूशन हेड क्लीनिंग से नहीं होगा। देख सकते हैं ये एक डिस्टेंस वाइज ये लाइनिंग है। तो कहाँ से ये प्रॉब्लम हो रहा है, इसका सॉल्यूशन कैसा कैसे करेंगे, वीडियो में आगे जाके दिखाते हैं। तो फिलहाल प्रिंटर को ऑफ कर देते हैं, इधर से ऑफ कर दिया और प्रिंटर को खोल लेंगे। पहले फ्रंट साइड में दो स्क्रू मिलेगा, देखिए इस साइड एक स्क्रू मिलेगा और इस साइड एक स्क्रू मिलेगा। ये दोनों को हमको पहले खोल लेना है। देखिए ये स्क्रू एक हो गया, और यहाँ पे इसका स्क्रू नहीं है, शायद था पहले, निकाल दिए हैं किसी ने। अभी देखिए पहले जैसा प्रिंटर आता था इप्सोन L3110 3115, उस टाइप का ये भी प्रिंटर है, लेकिन इसका खोलने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है। जैसे कि उस टाइप का प्रिंटर ये उठाने से ये खुल जाता था, लेकिन नया मॉडल ने यहाँ पे एक लॉक लगा दिया है। देख सकते हैं यहाँ पे, ये ऐसे अगर आप बाहर खींचेंगे तो ये निकलेगा नहीं। तो इसको निकालने के लिए ऐसे उठा के इधर से थोड़ा सा पुश करेंगे तो ये आराम से बाहर आ जाएगा। देखिए बाहर आ गया है। अभी क्या करना है, यहाँ पे देखिए पट्टी लगा हुआ है, इसको धीरे धीरे खोल लेना है। इसको धीरे धीरे खोल लेंगे, ये थोड़ा सा बारीक सा पतला सा होता है, इसको धीरे धीरे खोल लेना है। अभी ये निकल जाएगा। ये निकल गया है, पीछे से दो केबल मिलेगा, दोनों को खोल लेना है। ओके, अभी स्कैनर जो यूनिट है ये बाहर आ जाएगा, देख सकते हैं। अभी पावर केबल को खोल लेते हैं, बटन का केबल खोल लिया। अभी प्रिंटर को इस साइड घुमाएंगे और ये लेफ्ट साइड जो ढक्कन है इसको खोलना है। इसको खोलने के लिए पीछे से थोड़ा सा पुश करेंगे, ये खोल जाएगा। और यहाँ पे स्क्रू उससे पहले आपको एक बार खोल लेना है। देखिए एक स्क्रू था यहाँ पे, ये देखिए ये खुल गया है। यहाँ पे दो एक लॉक था इधर जो कि यहाँ पे फिक्स था। अभी इसका जो मेन सॉल्यूशन कहाँ से होता है, देखिए जो मैंने आपको उसका प्रॉब्लम बताए थे उसका मेन सॉल्यूशन कहाँ से होता है आपको दिखाते हैं हम। ये जो मैंने आपको बताया था डिस्टेंस वाइज ये लाइनिंग, ये हेड क्लीनिंग से कभी नहीं सही होगा। देखिए ये है इसका, मैं थोड़ा सा इसको कैमरे को फिक्स करके आप लोगों को दिखाता हूँ इसका सॉल्यूशन एक्चुअल कहाँ से होता है। कैमरे को थोड़ा सा फिक्स कर लेंगे। देखिए ये जो इसको बोलते हैं एनकोडर, ये है राउंड एनकोडर। तो राउंड एनकोडर में प्रॉब्लम क्या होता है, इस साइड में अब पहले जो नया प्रिंटर आता है इसमें ग्रीस वगैरह, व्हाइट ग्रीस या तो फिर वेसलिन वगैरह लगा रहता है, जो कि ये राउंड जो एनकोडर है उसमें ये थोड़ा सा लगा हुआ आपको दिख रहा है। देखिए यहाँ पर ये उस टाइम क्या हो रहा है, जब ये एनकोडर ये सेंस कर रहा है तो यहाँ पर ये जम्प कर रहा है, जिसकी वजह से वो लाइनिंग आ रहा है।
जब ये एनकोडर आपका घूम रहा है तो देखिए यहाँ पे ग्रीज लगा हुआ दिख रहा है आपको, शायद दिख नहीं रहा है। देखिए यहाँ पे जो ग्रीज है, ग्रीज व्हाइट है इसलिए नहीं दिख रहा है। जब ये राउंड एनकोडर ये सेंसर की तरफ जा रहा है तब ये स्टेप जंप कर दे रहा है एनकोडर, तब ये लाइनिंग आ रहा है। तो इसका सॉल्यूशन है, पहले हम एक कॉटन का कपड़ा लेंगे, उसे अच्छे से साफ करेंगे, थिनर वगैरह ना डालें यहाँ पे, क्योंकि खराब ये थिनर डालने से ये खराब हो जाएगा। तो क्या करेंगे देखिए, इसको हम पहले यहाँ जो ग्रीज लगा हुआ है उसको पहले साफ करेंगे ऐसे ऐसे करके बाहर की तरफ से। पूरा राउंड एनकोडर में इसका ग्रीज लगा हुआ दिख रहा है मुझे। तो देखिए ये जो ग्रीज लगा हुआ था ये साफ हो गया है लगभग, अच्छे से साफ कर देंगे ताकि आगे चल के ये प्रॉब्लम ना हो जाए। और मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ किस लिए ये हुआ था। देखिए यहाँ पे ग्रीज लगा हुआ दिख रहा है आप लोगों को, देखिए ये जो ग्रीज लगा हुआ है ये इधर लग गया था इसलिए ऐसा आपका प्रॉब्लम हो रहा था। इस प्रिंटर में ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है, हालांकि ये थोड़ा जो मैकेनिज्म है इसका, इसमें प्रॉब्लम हो जाता है, इसकी वजह से ये दिक्कतें आती हैं। तो हम देखिए यहाँ पे जो ग्रीज लगा हुआ था उसको हम आपको पहले दिखा देते हैं। देखिए ग्रीज लगा हुआ था, इस साइड का भी ग्रीज थोड़ा सा क्लीन कर देते हैं ताकि आगे चल के ये प्रॉब्लम ना हो जाए। थोड़ा सा कॉटन लेंगे, देखिए ग्रीज ये है, एक व्हाइट कपड़ा ले लिया मैंने, इससे हम अच्छे से एक बार साफ कर देंगे। तो देखिए अच्छे से ये क्लीन हो गया है, देख सकते हैं इसमें कोई भी डस्ट वगैरह भी नहीं है। और ये कभी कभार डस्ट आ जाने से भी प्रॉब्लम होता है, लेकिन ये जो लाइनिंग का प्रॉब्लम है ये भी डस्ट की वजह से भी प्रॉब्लम हो सकता है। लेकिन इसमें जब कस्टमर ने मेरे को बताया था कि ये हेड क्लीनिंग से सही नहीं हो रहा है तब मेरे को समझ में आ गया था इसका प्रॉब्लम कहाँ से हो रहा है। तो देख सकते हैं ये जो एनकोडर था इसको मैंने अच्छे क्लीन कर लिया है, और जो कि यहाँ पे ग्रीस वगैरह वैसलीन लगा हुआ था उसको भी साफ कर लिया है। तो अभी क्या करेंगे, अभी जो इसका स्कैनर का जो पार्ट है स्कैनर को पार्ट को हम लगाते हैं। तो देखिए एक बार यहाँ पे पहले इधर से ये और इस साइड से ये, देखिए आसानी से ये बैठ गया है। अभी हम इसको पहले ऐसे करते हैं, उसके बाद इसका जो केबल है केबल को हम लगाएंगे। ये इसका फ्रंट पैनल का केबल है, इसको ऐसे फिक्स कर देते हैं। कैमरा को थोड़ा सा आगे लेके जाते हैं, सीसीडी स्कैनर का केबल जो है ये दोनों को हम लगा देते हैं। केबल को एक बार चेक कर लीजिएगा, इसमें डस्ट वगैरह है तो इसको साफ करके लगाइए। देखिए दोनों को लगा दिया। अभी इसका जो बाएं तरफ जो ढक्कन है इसको नहीं लगाएंगे, इसका ये कैसा मूवमेंट हो रहा है इसको भी देखना भी बहुत ही ज़रूरी है। तो अभी हम इसको फिलहाल बंद कर देते हैं ऐसे, इसका लॉक वगैरह अभी नहीं लगाएंगे क्योंकि पहले हमको चेक करना है। अगर सोल्यूशन नहीं हुआ तो इसको बाद में हमको भी खोलना पड़ेगा इसको दोबारा। तो देखिए वही डॉक्यूमेंट को लगाएंगे फिर से, इधर रख देते हैं डॉक्यूमेंट को। प्रिंटर में पावर ऑन करते हैं, इसका पावर केबल लगा लेते हैं इधर से, पावर केबल को लगा दिया। प्रिंटर ऑन हो चुका है, थोड़ा सा इसको दिखा रहे हैं दूर से। देखें ये घूम रहा है, प्रिंटर चालू हो गया है, देख सकते हैं। अभी
व्हाइट पेज लेंगे फिर से, इसमें डालेंगे। इसका जो प्रॉब्लम था लाइनिंग, एक डिस्टेंस पे लाइनिंग था, वो सॉल्यूशन हुआ कि नहीं दिखाते हैं। ब्लैक एंड व्हाइट फोटोकॉपी का बटन प्रेस करेंगे। तो गाइस देख सकते हैं, उस टाइम ये डिस्टेंस वाइज थोड़ा सा लाइनिंग आ रहा था, वो अभी क्लियर हट चुका है। और मैं पहले जो प्रॉब्लम था उसको हम दिखाते हैं। पहले जैसा जिस तरह का लाइनिंग आ रहा था, देखिए इसमें इस तरह का लाइनिंग आ रहा था, देख सकते हैं। अभी इसमें लाइनिंग वगैरह कुछ भी नहीं है। अभी हम दूसरा एक दिखाते हैं। देखिए एक स्पर्श का पैकेट ले लेते हैं, हालांकि हम इसका हम रिकमेंड नहीं कर रहे हैं, खाली ये दिखाने के लिए। देखिए इस साइड को हम लगाएंगे और देखते हैं किस तरह का क्या प्रिंट आ रहा है। इसको लगाएंगे फिर से ब्लैक एंड व्हाइट फोटोकॉपी। तो देख सकते हैं इसमें 100% सॉल्यूशन हो चुका है, देख सकते हैं इसमें। और इसमें देखिए क्लियर हो गया है। तो गाइस वीडियो कैसा था कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाके सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। थैंक यू।